अच्छा, एक तो मुझे समझ नहीं आता कि मैं इसकी किस टाइप की वीडियो रिकॉर्ड करूं। मैं जैसी मर्जी ही कर लूं, दुनिया जहान के अलग अलग तरीक़ों से कर लिया, अब इससे ज़्यादा अलग तरीका और मैं कहाँ से ले आऊं। मुझे फिर भी यही कमेंट रिसीव होते हैं, अपना तरीका चेंज करें, क्रम्बलिंग स्टाइल भी चेंज करें, टेक्स्चर्स भी चेंज करें, शेप्स भी चेंज करें, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब बंदा पूछे कि मैं क्या क्या ही चेंज कर लूँ, और क्रम्बलिंग स्टाइल ही तो मेरी पहचान है, जैसी मुझे आती है मैं तो वैसी कर सकती हूँ। अब किसी को कॉपी तो नहीं ना मैं कर सकती, इसको कॉपी करो उसको कॉपी करो। जो किसी को कॉपी करता है वो ना इधर का रहता है ना उधर का रहता है, उसको कुछ भी नहीं आता। वो कहते हैं ना, कौवा चला हंस की चाल और अपनी चाल भी भूल गया। तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती, जैसी मुझे आती है मैं वैसे ही कर सकती हूँ। जिसको पसंद आती है वो देख लिया करे, जिसको नहीं आती वो स्किप कर दे। मैंने इतनी बार बताया, आप लोग पाबंद नहीं हैं। दूसरी बात शेप्स की, तो शेप्स मैं भी ज़रा वीडियो रिकॉर्ड कर लूँ, मैं आपको दिखाती हूँ शेप्स कितनी हैं। और फिर भी न्यू शेप्स। अब इन शेप्स का ये होता है कि ना हमें अपना हिसाब देखना पड़ता है कि शेप्स जब निकलती है ना वो तंग तो नहीं कर रही, टूट तो नहीं रही निकालते। हर किस्म की शेप्स इन टेक्स्चर्स की नहीं निकलती। अब जैसे इस टेक्स्चर की जो शेप निकल सकती है वो इसकी नहीं निकल सकती। जिसमें ज़्यादा स्टोन्स होते हैं उसमें शेप जो है वो अलग टाइप की रखनी पड़ती है, जिसमें ज़्यादा पाउडरी टेक्स्चर है उसमें अलग टाइप की, जो बिल्कुल ही डेड डर्ट की तरह डीट है जिसमें लम्ब्स आ जाते हैं उसमें थोड़ी अलग किस्म की रखनी पड़ती है, ये चीज़ होती है। तो मेरे पास शेप्स का ढेर है, लेकिन मैं बनाती हूँ अलग अलग, लेकिन वो दिखने में सेम ही लगती हैं क्योंकि वो सिंपल हैं। अब डिज़ाइनिंग वाली शेप्स तो इन टेक्सचर्स की नहीं ना बन सकती, ये चीज़। और दूसरा फिर मैं सोचती हूँ मैं चंक्स मतलब कर लिया करूँ। चंक्स के लिए भी टब भी नहीं है, और टब अगर मैं ले भी लूँ तो वो धूप में कितने दिन निकालेंगे। चंक्स बनाने के लिए टब को एक दिन तो कम अज़ कम छोड़ना ही पड़ेगा ना। तो जब रोज़ रोज़ उसमें टब में चंक्स बनेंगे तो उसको फिर जब मैं रोज़ रोज़ धूप में छोड़ के जाऊँगी तो उसका तो सत्यानाश ही हो जाना है ना। लेकिन फिर भी मैं सोच रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ कि एक दो टब ले लूँ ताकि मैं ना चंक्स ज़्यादा कर सकूँ। ये भी मसला मैंने आपको बता दिया। तीसरा, आप लोग कहते हैं टेक्स्चर्स बढ़ाएं, तो टेक्स्चर्स मैं बढ़ा तो लूँ, बढ़ा के मैं यहाँ रखूँ कहाँ? आपको स्पेस पता चल रही है कहीं भी? कहीं एक कोना मुझे बता दें कि जहाँ मैं टेक्सचर रख लूँ। अब जब कल मैंने वीडियो रिकॉर्ड की, यकीन करें आधी मैं इसके मतलब इसके बिल्कुल साथ लगी थी, और इधर से शेप्स लेते रहते ना मेरी कोनी इधर लग रही थी बार बार, इतना ज़्यादा मतलब डिस्टर्ब हो के ना हम अब वीडियोस बनाते हैं खुद डिस्टर्ब हो के कि बस वीडियो अच्छी बननी चाहिए। कभी होता है कि हाथ इधर लग जाता है, छिल जाता है। मेरे इधर पाँव पे भी छिला था, 3 दिन जलन होती रही थी। मैंने ना अंदर की तरफ पाँव रखा था शेप्स पकड़ने के लिए, तो जब वापस को इधर मुड़ी तो यहाँ पे ऐसे लग गया। कभी शेप्स निकालते हाथ छिल जाता है, कभी कुछ सारा कुछ देखना पड़ता है, सिर्फ एक चीज़ नहीं होती। देखने वाले को तो लगता कि ऐसे नहीं तो ऐसे हो जाता तो बहुत ही ज़्यादा आसान था, लेकिन जो कुछ हो रहा है ना वो भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन फिर भी कोशिश सबकी ही पूरी होती है, ये नहीं कि मैं कह रही कि मैं ही बहुत ज़्यादा कोशिश करती हूँ। जितने भी काम करने वाले हैं और जो भी वो काम कर रहे हैं ना, वो अपनी पूरी 100% उसमें जान डालते हैं कि हम जो काम कर रहे हैं ना उसका जो आउटपुट है वो बेहतरीन आना चाहिए, क्योंकि मेहनत हो रही है। सांस चढ़ गया बोल बोल कि इतनी सारी बातें इकट्ठी हुई हैं, इतने दिनों से बोली नहीं ना इसलिए। तो मैं आपको टेक्स्चर्स भी अभी दिखाती हूँ। यहाँ पे मेरे पास स्पेस नहीं है, टेक्सचर लेने को तो बंदा ले ले, ये कहने लगी थी मैं यहाँ पे रखूँ कहाँ? अब मुझे कल वो रेड ग्रेन्स की वीडियो रिकॉर्ड करनी थी, तो वो इस साइड पे होती है तो वहाँ वो टेक्सचर पड़ा था, फिर मैंने उसको इस साइड पे रिकॉर्ड किया जिसकी वजह से थोड़ी सी मुश्किल हो रही थी, और पास कोई था भी नहीं कि कोई शेप्स पकड़ाने में हेल्प कर दे। तो वहाँ से उठ उठ के बार बार शेप्स लेना वो बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। इंसान उतना फिर वीडियो बनाने में नहीं थकता जितना शेप्स लेने में ही थक जाता है। और अब जैसे ये रिकॉर्ड करनी है, इसके इधर ये टेक्सचर पड़ा है, इनमें से मैं जिस दिन मैं इस साइड के लिए लाइन इधर वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ ना, उस दिन मैं इस साइड वाली नहीं कर सकती, ये जो इधर 3 है। जिस दिन मैं ये 3 करती हूँ उस दिन मैं ये वाले नहीं कर सकती। इसी तरह चारकोल है, जिस दिन मैंने रिकॉर्ड करनी है आपने अक्सर देखा होगा मैं रेड 3 इकट्ठे ही करती हूँ क्योंकि वो इधर हो जाएँ, क्योंकि आगे जगह ही नहीं बचती। और जब इधर वाली करूँ
प्योर चारकोल वाले, तो वो तीनों एक दिन करती हूँ, उस दिन मैं रेड वाला कोई नहीं करती। इस तरह करके कि मेरे पास इधर स्पेस ही नहीं है, बस ये बात है। और ये जो टेक्सचर ज़मीन पे पड़े हैं, उस दिन इधर करके पड़ा था तो अभी बहुत मुश्किल हो रहा था इन वीडियोस को रिकॉर्ड करना। अगर मैं इधर बिल फर्स्ट को ये एक आधा टेक्सचर और रख लूँ तो ये दो ऑलरेडी नीचे पड़े हैं। और आगे से अगर मैं चंक्स करने के बारे में सोचूंगी तो जाहिर सी बात है टब भी अब अंदर जा जा के कैसे ही बाहर निकलेंगे। टब बाहर पड़ा तो उसको बाहर ही उल्टा करना पड़ेगा, तो मैं खुद बहुत ना परेशानी हो गई हूँ कसम से। और क्रम्बलिंग्स में वैरायटी, तो मैं वाटर भी करती हूँ, फोमी भी करती हूँ, फ्लोर ड्राई क्ले पॉट में, उल्टे क्ले पॉट में कलर भी डाल लेती हूँ कभी कभी, फ्लोर वाटर पूल में भी फॉर्मिंग वाटर कर लेती हूँ। अब और इसे ज़्यादा क्या वैरायटी लेकर आऊँ मुझे समझ में नहीं आता। स्टील पॉट में भी मैंने कर चुकी हूँ, मिरर पे भी कर चुकी हूँ, फुट क्रश भी कर चुकी हूँ, क्या क्या नहीं कर चुकी पता नहीं। अब इससे अलग चीज़ क्या हो सकती है, आप लोग साथ बता दिया करें ना, बस ये कह देते हैं अलग करें अलग करें, साथ साथ ये भी बताया करें ना कि क्या अलग करना है। उन्होंने मस्जिद में भी दोबारा पढ़ना शुरू कर दिया, मेरा ख्याल 6 बज गए हैं क्योंकि वो 6 बजे शुरू करते हैं, और मैंने बातों में ये एक वीडियो का टाइम ज़ाया कर दिया। चलो अब जल्दी जल्दी अपना काम शुरू करते हैं। अभी मैं फिर आज शायद ना रिकॉर्ड कर सकी क्योंकि पहले ही लेट हो गई हूँ, तो बिहाइंड द सीन्स और ये सब वो वाला व्लॉग टाइप्स ना वो कल से स्टार्ट करते हैं। ये मैं भी रिकॉर्ड कर लूँ साथ साथ, लेकिन पोस्ट नेक्स्ट टाइम करूँ, लेट्स सी, देखते हैं। अल्लाह हाफिज़। अब वैसे ये चुप होंगे मस्जिद में तो फिर ही मैं काम कर सकती हूँ, 6 बज गए हैं। मैं उठ तो कल भी जल्दी गई थी, 4:30 आँख खुल जाती है, लेकिन ऊपर उस टाइम अंधेरा होता है और जब बाद में रोशनी शुरू होती है तो बच्चे सपारा पाड़े होते हैं पास में, तो अंकल ऊंची ऊंची बोलते हैं और बच्चे भी ऊंची ऊंची बोलते हैं, तो फिर वो आवाज़ आ रही होती है तो उस टाइम वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो सकती। और अब इन्होंने मस्जिद में पढ़ना शुरू कर दिया, अब इनके चुप होने का वेट करूँगी मैं और फिर अपनी वीडियो रिकॉर्ड करूँगी। आप लोगों को अगर मेरी कोई बात बुरी लग गया है तो मैं माजरा चाहती हूँ, कि मेरा मकसद किसी का दिल दुखाना नहीं है, मैं बस अपनी तरफ से आप सबको क्लियर कर रही हूँ कि इश्यूज़ क्या क्या हैं। और मैंने अभी आपको बताया ना कि मैं आपको दिखाऊँगी शेप्स और टेक्स्चर्स, अगर याद रहा तो, नहीं याद रहा तो कल दिखा दूँगी, क्योंकि वो यहाँ नहीं पड़े हैं, यहाँ मेरा ख्याल है इसके अंदर कुछ कुछ ही हैं। ये भी हैं शेप्स, इसके अलावा भी हैं, उनको डाल के तो उसमें बोरी में तो उधर ना हैंग किया हुआ है अंदर स्टेयर्स में, क्योंकि ऊपर धूप आती है, यही मसला है, ऊपर उनको रखने की जगह ही नहीं है। टेक्सचर्स भी उधर ऐसे लाइन में पड़े हैं, मुझे तो खुद बहुत ना अजीब लगते हैं, एक उधर बोरी पड़ी है, एक उधर पड़ी है, एक उधर ढेर लगा है, एक उधर ढेर खड़ा है, रेड डर्ट भी है, चारकोल भी मेरे पास है, सैंड भी पड़ी है, ये वाइट स्टोन्स अब इन ये वेस्ट हैं, वैसे ये भी पड़े हुए हैं, अब इनका पता नहीं मैं क्या करूँगी, मैं बैठ ही जाती हूँ। ये मैंने कल थोड़ा सा ब्रश करके ना तो इधर ये इकट्ठा किया था, लेकिन उठाया नहीं था, मैं थक गई थी, तो अभी मैं इसको भी उठा लूँगी। इस तरह ना मैं साथ साथ ये जो थोड़ा थोड़ा एरिया है कुछ दिन गुजरते हैं ना, तो यहाँ पे ब्रश करके इधर इकट्ठा करके उठा लेती हूँ, तो फिर गंद गंद नहीं लगता। अब देखें साफ़ सुथरी है। किसी ने पूछा था टेक्सचर्स कितने दिन चलते हैं, तो मैंने तब भी कमेंट में बता दिया था, लेकिन फिर बाकियों को भी एक्सप्लेन कर दूँ कि एक टेक्सचर्स की कोई स्पेसिफ़िक लाइफ नहीं है कि इतनी देर चलेंगे और इतनी देर नहीं चलेंगे, चलाओ तो कब तक ही चल जाएंगे, नहीं चलाएँगे तो, टेक्सचर्स पर डिपेंड करता है कि आप उनकी केयर कितनी कर रहे हैं और टेक्सचर किस टाइप का है। अगर तो टेक्सचर स्टोन है तो स्टोन्स को तो सारी ज़िंदगी कुछ नहीं होना, हाँ उनके कॉर्नर्स वगैरह थोड़े से यू नो घिस सकते हैं, वो थोड़े जब पहले नुकीले थे तो यूज़ होने के बाद वो राउंड राउंड हो जाएंगे, इस तरह होगा बस, और उनको कुछ भी नहीं होगा। और जब यहाँ पे जब अगर आप नीचे से सफाई नहीं कर रहे डस्ट की, डस्ट सब टेक्सचर्स में मिक्स करें तो टेक्सचर्स का कलर चेंज हो जाता है, बस यही होता है, और टेक्सचर थोड़ा हार्ड होना शुरू हो जाता है, और वो वैसे भी हो जाता है क्योंकि ये पड़े पड़े के ऊपर भी ना बाजू का आंधी आती है, हवा चलती है तो डस्ट आ जाती है, आपने देखा होगा बंद कमरों में डस्ट आ जाती है, तो फिर ये तो खुल फिर ओपन पड़े हैं,
तो इन पे जब मिट्टी या डस्ट वगैरह पड़ती है ना, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ये थोड़ा हार्ड होना शुरू हो जाते हैं। फिर इनका लिक्विड जब अलग कर लेते हैं तो ये वापस अपनी नॉर्मल हालत में आ जाते हैं। लेकिन कुछ टेक्सचर्स ऐसे होते हैं, जैसे मेरा वो ग्रिटी सैंडमेंट है ना, वो मेरा हैंडमेड टेक्सचर है। उसमें क्या था, मैंने सैंड सीमेंट मिक्स करके उसका एक बड़ी सारी शेप्स, वैसे ही वो जैसे मैंने टब बताया है, तब मैंने स्लैब बनाई थी बड़ी सारी, बिल्कुल फुल हैवी किस्म की। और स्लैब के बाद मैंने ग्राइंड किया था, तो इस मतलब उसके मैंने ये जो इसमें ग्रेटर ना ये बनाया था, तो वो क्या हुआ था कि उसमें सीमेंट थोड़ा कम था, सीमेंट का रेशियो सैंड का रेशियो ज़्यादा था। तो वो ना जब हम टेक्सचर्स, आपको पता जब ये टूल से टेक्सचर बनाते हैं या वैसे ही, तो वो जो थे ना वो क्रम्बल हो के ना, यू नो, घिस घुस के, वो भी साथ ही क्रम्बल हो जाते थे। मतलब आहिस्ता आहिस्ता क्रम्बल होते होते वो भी सारे ना मिक्स हो गए सैंड में, बिल्कुल पाउडर फॉर्म में आ गए वापस से। तो क्योंकि उसमें सीमेंट कम था, तो फिर अब दोबारा ये टेक्सचर बनाया है, अब इसमें सीमेंट का रेशियो ठीक है, अब इसमें जो ग्रेटर ना ये यहीं का यहीं रहता है, कहीं नहीं जाता, और अगर कभी जाएगा भी तो वो काफ़ी अर्से बाद जाएगा। ये चीज़ होती है कि टेक्सचर्स किस टाइप के हैं। बाकी जिनमें स्टोन्स होते हैं उनकी सैंड घिस घिस के ना बारीक बिल्कुल पाउडर फॉर्म में आ जाती है, फिर भी वो टेक्सचर को हार्ड करना शुरू कर देती है। आप लिक्विड अलग कर लें, वो फिर भी 2-4 दिन बाद ना हार्ड कर देगी। तो उस केस में आप सैंड चेंज कर सकते हैं, सैंड शिफ्ट करके ना सैंड चेंज कर दें, वो वाली सैंड फेंक दें, या आप उसकी कोई और टेक्सचर रेडी करना चाहते हैं तो उसमें यूज़ कर लें, वो अपनी मर्ज़ी होती है। और इस वाली सैंड को वेस्ट कर दें और नई सैंड ऐड कर लें। अच्छा, मज़े भी उन्होंने पढ़ लिया, अब मैं अपना काम कर लूँ, बड़ी बातें हो गई, बाय बाय।